हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अब से जो रिमेनिंग 30 डेज या 35 डेज हमारे पास है, उन 35-34 डेज में हम हमारे एनडीए को क्लियर कर सकते हैं, एनडीए एग्जाम। तो देखो, द आंसर इज येस, बट यहाँ पे डिफिकल्टी ज्यादा होगी। देखो, एनडीए एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं होगा इवन दो इन 35-40 डेज, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन ऑलरेडी तुम्हारे पर अप्लाई होती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली चीज की 34 या 35 डेज में क्लियर करना ईजी है या 30 डेज में करना ईजी है। इजी नहीं है, डिफिकल्ट होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, तुम इस चीज को कर सकते हो। अब देखो, 30 डेज है, राइट? अब इन 30 डेज को तुम हार्डवर्क के थ्रू नहीं जा सकते। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें स्मार्टली करनी होगी, स्मार्टली चीजों को वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम हार्डवर्क कर रहे हो, मतलब तुम हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो 30 डेज में वो सारी चीजें कवर करना इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे तुम्हें स्मार्टली चीजों को एनालाइज करके, उनपे वर्क करके, स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना होगा, जिसके थ्रू तुम्हारा जो एनडीए 30 डेज का सफर है वो आराम से क्लियर हो जाए, या तुम आराम से 30 डेज में करीब करीब तुम्हारे कट ऑफ के पास आ जाओ। ओके, एटलीस्ट तुम 370-380 पूरे टोटल 900 में से स्कोर कर लो। तो इसके लिए कुछ चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास टाइम है ना, इस टाइम, अब इसमें इसमें तुम्हें करना है स्मार्ट वर्क। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। अब ये जो स्मार्ट वर्क है वो तुम्हारा कैसे रिफ्लेक्ट होने वाला है? सबसे पहले अगर तुम एक चीज कर सकते हो ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एंड दैट इज मॉक सॉल्व कर लो। क्या करो? मॉक, और मॉक मतलब नहीं, मॉक नहीं, तुम्हें PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, 2 to 3 जो भी प्रीवियस होंगे, जैसे NDA 1 2023, NDA 2 2022, NDA 1 2020, NDA 2 2021, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। क्या करो? इन पेपर्स को सॉल्व करो। इन पेपर्स को ऐसे सॉल्व करना कि भाई ये मेरे रियल टेस्ट है, ये मेरे रियल मॉक्स है। इनको कैसे दो तुम? एज रियल मॉक्स करो। अब हम ये चीज क्यों कर रहे हैं? तुम्हें इसको ना एकदम रियल मॉक्स की तरह देना है। तुम्हें 2 आवर्स देने हैं, 2 आवर्स में ही तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और मेक श्योर तुम जब ये मॉक्स दे रहे हो, तुम हर एक क्वेश्चन को देखो, हर एक क्वेश्चन किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो जब तुमने 2 to 3 or 3 to 4 मॉक्स दे दिए ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक आइडिया, एक एनालिसिस हो जाएगा तुम्हारा यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट वेटेज, या मोस्ट जो टॉपिक का वेटेज है, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है। ओके, कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है। और जब ये चीज क्लियर होगी ना, तो अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक बार हमें आइडिया लग गया कि यार कुछ एक स्पेसिफिक सेक्शन का जो वेटेज है वो ज्यादा है, तो तुम उस टॉपिक पे टाइम वेस्ट ना करके उस टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका वेटेज ज्यादा है। जिसका वेटेज ज्यादा है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसमें से तुम ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, और ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब ज्यादा तुम्हारा स्कोर बढ़ के आएगा, राइट? तो जब तुम ये कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे पास सिर्फ 30 to 34 डेज है, और इन 30 to 34 डेज को मैं किक स्टार्ट कैसे करूँ, तो तुम एक बार क्या करो, 3 to 4 मॉक्स दो। और मॉक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन के गैप में करो, लगातार 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 2 दिन में 4 मॉक्स तुम्हारे हो जाने चाहिए। 2 दिन के अंदर 4 मार्क्स करना इज इजी। तो सबसे पहले तुम ये कर लो, तो एक आइडिया लग जाएगा, तुम्हें पेपर का वेटेज पता चल जाएगा, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, राइट? और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, राइट? तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे? क्वेश्चन पैटर्न, कि यार अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में मोस्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेटेज हमें क्लियर हो गया, उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि यार क्वेश्चन टॉपिक कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? उसके बाद तुम ज्यादा टाइम इन टॉपिक्स में इन्वेस्ट करो। तुम उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छुओ जिसमें से एक दो क्वेश्चन आने की गुंजाइश है, एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस है, राइट? उन टॉपिक्स को छुओ ही मत। और इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन पैटर्न, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से आ रहा है, कोई एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहा है वो लो लेवल का है, वो मीडियम लेवल का है, या वो हाई लेवल का है। ओके, तो जब तुम पैटर्न देख रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा इजी क्वेश्चन है, मीडियम है, या हाई। और जब तुम्हें ये चीज की क्लैरिटी लग जाएगी, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि यार मैं एज एन इंडिविजुअल कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कि मैं जो क्वेश्चन है वो मैं राइट कर रहा हूँ या मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, राइट? तुम्हें क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक, जो टॉपिक है बेसिकली उसमें से टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके, अगर तुम लो क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, एकदम लो ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक का, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा वो टॉपिक 0% या 10% प्रिपेयर्ड है, राइट? अगर लो है, लो क्वेश्चन भी रॉन्ग जा रहे हैं, दैट मीन 0 to 10% ही तुम प्रिपेयर्ड हो,
अगर मीडियम क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन तुम राइट करो, दैट मीन तुम 50% प्रिपेयर हो, और अगर तुम हाई क्वेश्चन छोटे टॉपिक के क्वेश्चन प्रिपेयर कर पा रहे हो, दैट मीन यू आर 90% और यू कैन से यू आर 100% प्रिपेयर, राइट। तो ये चीज भी निकल के आ जाएंगी, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा यार मेरे कौन से टॉपिक कैसे प्रिपेयर, क्लियर है। अगर तुम्हारे लो क्वेश्चन 0 to 10, मीडियम मतलब कुछ तो भी प्रिपेयर हो, 60 to 50-60 प्रिपेयर हो, और अगर हाई एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे उस टॉपिक के राइट जा रहे, दैट मीन यू आर 90 to 100% रेडी इन दैट टॉपिक, ओके। ये चीज हो गई, और इसके बाद क्या होगा, अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैं इस वाले टॉपिक के लो क्वेश्चंस में ही अटक जा रहा हूँ, या इस टॉपिक के मीडियम वाले क्वेश्चंस में ही अटक जा रहा हूँ, या इस टॉपिक के मैं हार्ड वाले क्वेश्चंस में अटक जा रहा हूँ, तो इसके वजह से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किस वे में तुम्हें प्रिपेयर करना है, तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, तुम्हें क्या पता चल जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करना है। अब ये प्रैक्टिस मतलब क्या, अब जैसे कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को मुझे बेस से स्टार्ट करना है, उसको मुझे सिर्फ फॉर्मूलेज रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, या मुझे उस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है, बस एक क्विक रिवीजन देना है, ओके। अब प्रैक्टिस कैसे होगा, अगर प्रैक्टिस की बात करेंगे तो उसको एकदम बेसिक से करना है उसको, या मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट को हल्का हल्का पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, या क्वेश्चन सॉल्व करना है, या मुझे उस टॉपिक का क्विक रिवीजन देना है। तो ये तीन चीजें निकल के आएंगी, प्रैक्टिस। अब देखो अगर कोई जो बंदा 60% एक टॉपिक में प्रिपेयर है, वो क्या करेगा, जो भी बेसिक्स है उसको वापस रिवाइज करेगा, फिर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, और जो 90% प्रिपेयर्ड है वो क्या करेगा, एक बार हल्की से आंख मार लेगा कि यार अच्छा ये चीज है ये चीज है ये चीज है, और जो 0% रेडी है वो क्या करेगा, उसको बेसिक देखने पड़ेंगे, उसको एनसीईआरटी फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, उसको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ओके। और अगर बेसिक टू स्ट्रांग जाना है, तो बेसिक टू स्ट्रांग करने का जो हमारा तरीका है, दैट विल बी सबसे पहले तुम एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाद पाथफाइंडर लगाना, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेना, तो तुम्हें क्लैरिटी बैठेगा कि अभी तुम कितने 100% प्रिपेयर्ड हो या नहीं। उसके बाद उसी टॉपिक के कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाना और उन क्वेश्चन को देखना तुम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारा वो टॉपिक अभी 100% या 90 to 100% प्रिपेयर्ड है। अगर नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू आर स्टिल लैगिंग समवेयर, तो उन चीजों पर तुम्हें फिर वर्कआउट करना है, ओके। तो मॉक से तुम्हें इतनी सारी चीजें निकल के आएंगी, अगर ये चीजें तुमने कर ली ना ध्यान से, अगर तो फिर तुम कट ऑफ के एकदम आराम आराम से करीब पहुंच जाओगे। अगर हम बात करेंगे कि यार मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो किस वे में करना है, गैट का प्रिपरेशन कैसे करना है, अब देखो ये स्मार्ट वर्क ये कर लिया ना जिसने, जिसको पता चल गया कि कौन सा टॉपिक कितना अच्छा प्रिपेयर्ड है और किस टॉपिक को कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। अब देखो यार, अब इस 30 days के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जानेंगे, तो कुछ एक ऐसा बच्चा होगा जो 10% के लेवल पे होगा, कुछ एक बच्चा होगा 50% है, और एक कुछ बच्चा होगा 90% है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो 10% है, जो 50% और जो 90% प्रिपेयर्ड है, तीनों को सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तीनों को सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 10% है उसको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो 50% है उसको थोड़े से और हल्के से, और 90% वाले को थोड़े कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है। अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अगर मेरे पास अभी 30 days है तो यहाँ से मैं कितने आवर्स रोज पढ़ू, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो। तुम किसी बंदे से जाके ये सजेशन नहीं ले सकते कि मेरा इतना है, मैं क्या सिर्फ एक एक घंटा दूं तो हो जाएगा। एक एक घंटा तो उस बंदे के लिए काफी होगा जो 90% या 80% पे है। जो 50% पे है उसे भी 3 to 4 hours एवरी डे देने पड़ेंगे, और जो 50% से बिलो है उनको 6 to 7 hours एवरी डे देने पड़ेंगे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उसमें तुम्हारे मॉक्स आ जाएंगे, तुम्हारे रिविजन आ जाएंगे, तुम्हारे टॉपिक्स आ जाएंगे, तुम्हारे पीवाईक्यूज आ जाएंगे। जो टॉपिक तुम्हें नहीं समझ रहे तुमको उसको भी तो सर्च करना पड़ेगा, उसके अंदर टाइम तो जाएगा तुम्हारा, ओके। दिस इज इट। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि यार हम 30 days में आओ, कितना क्लियर होगा, तुम्हें क्या करना है 30 days में जो टॉपिक के वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, जो टॉपिक इजी है उनको प्रिपेयर करो, और उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जिसका वेटेज ज्यादा है और जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा है, ताकि तुम अटेम्प्ट ज्यादा करते हो। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे मैथ्स को हम प्रिपेयर कैसे करें, अगर मैथ्स की प्रिपरेशन की टेक्निक जानेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे वो लेवल्स पर डिपेंड करेगा, तुम बेसिक पे हो, तुम एडवांस पे हो या किस पे हो। तो मैथ्स के लिए हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से बात करेंगे, तुम्हारा क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑलरेडी रेडी होगा ही होगा, राइट। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे 30 days में एनडीए क्लियर करना है, मतलब आज ख्याल आया और 5 दिन का तुम जाके क्लियर करोगे, ये नहीं होगा। तुम्हारे बेसिक ऑलरेडी क्लियर होगी, क्लास 11th और क्लास 12th के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें एनसीईआरटी को एक बार फिर से क्विक रिविजन मार लो, एनसीईआरटी को एक रिविजन मारने के बाद अरिहंत पूरी करो अच्छे से, अरिहंत में जितने क्वेश्चंस है लेवल 1 लेवल 2 दोनों कर लो, ओके। और उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो उसी टॉपिक पे, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सारे टॉपिक्स नहीं उठाने, तुम्हें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करना है,
अगर तुम सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने जाओगे तो 30 डेज में कवर करना वो इम्पॉसिबल होगा। सिलेक्ट टॉपिक्स कौन से होंगे जिनका वेटेज ज्यादा है। तो क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिक्स हमारे क्लियर है। एनसीईआरटी का एक क्विक रिविजन मारेंगे, उसके बाद अरिहंत के पीवाईक्यूज, अरिहंत की समरी जो होती है ना सामने, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन है, कौन से फॉर्मुलेज है, वो सारे एक बार पढ़ लेना। उसके बाद उसी पे बेस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके बाद सिलेक्टेड पीवाईक्यूज या क्वेश्चन जो तुम्हें प्रेफरेबल लगे वो करना और देख लेना कि क्या स्टिल तुम्हारा वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या तुम अभी भी कोई काइंड ऑफ क्वेश्चन अटक रहे हो या नहीं अटक रहे हो। ओके, इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की देखो, गैट के लिए तुम साइंस और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि इसका जो स्कोर है वो 400 का है, राइट? ये तुम्हारा 400 का स्कोर बना के देगा। तो इंग्लिश के लिए तुम्हारे बेसिक्स, तुम्हारे फंडामेंटल्स, तुम्हारे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब तुम रोज क्या करो, कोई भी एक टॉपिक जब तुम पढ़ रहे हो तो उसी टॉपिक के, जिस दिन तुमने वो टॉपिक पढ़ा उसी के पीवाईक्यूज कर लो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यूज, वेदर इट इज फॉर साइंस और इंग्लिश, दोनों यही चीज, टॉपिक के बाद पीवाईक्यूज। क्योंकि ये क्या होगा, जब तुम टॉपिक के बाद एकदम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट तुम अगर पीवाईक्यू सॉल्व करो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझेगा और कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा। और जितने देर तक हम उस चीजों को या फैक्ट्स को, वैल्यूज को रिमेंबर कर सकते हैं उतना ज्यादा बेटर, राइट? तो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है उसके पीवाईक्यूज कर लेना। इंग्लिश में तुम्हें सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, दैट मीन्स तुम्हारे बेसिक्स या वी कैन कॉल ग्रामर रूल्स, और जितने अच्छे तुम्हारे ग्रामर रूल्स होंगे उतना बेटर। और अगर इंग्लिश को प्रिपेयर करने की बात करेंगे तो तुम पीवाईक्यूज एक बार 2-3 दे देना। इसी चीज को वैसे करना, तुम देखो कि इंग्लिश में जब मैं पीवाईक्यूज दे रहा हूँ मैं कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में टक रहा हूँ, तो इसके बाद तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यार अगर जो मेरा टॉपिक 100% रेडी है मैं उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जो टॉपिक मेरे वीक है मैं उसमें फिर टाइम इन्वेस्ट करूंगा। ओके, और वैसे ही साइंस के लिए भी, साइंस टॉपिक पढ़ा उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज देना। अगर तुमने ये चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वर्क किया ना, किस टॉपिक को कितना टाइम अब डेडिकेट करना है, किसको 5 घंटे जाएंगे, किसको 2 घंटे, किसको 1 घंटा, किसको देना ही नहीं है टाइम, तुमने अगर ये टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया ना 30 डेज का टाइम मैनेजमेंट, वो कट ऑफ के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। बट 30 डेज के लिए तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा स्ट्रैटेजी एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। स्ट्रैटेजी अब सब बच्चों के लिए सेम नहीं हो सकती या अप्रोच सबके लिए सेम नहीं हो सकता, किसी को वहां पे 5 आवर्स डेडिकेट करने होंगे तो किसी को सिर्फ 1 आवर डेडिकेट करना होगा, तो यहाँ पे गैप आता है। तो जो बच्चा अभी प्रिपेयर नहीं हो वो रोज 5 आवर्स दे रहा है ना, तो वो भी उसी लेवल पे आ जाएगा जो बच्चे को सिर्फ अभी 1 आवर देना है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस वे में तुम्हारे टाइम को मैनेज कर रहे हो, किस टॉपिक को कितना टाइम तुम तुम्हारे हिसाब से डेडिकेट कर रहे हो, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये चीजें कर ली तो डेफिनेटली तुम्हारे कट ऑफ के आसपास तुम आराम से पहुंच जाओगे और एनडीए तो ऐसे निकाल लोगे, बट चीजों को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाना पड़ेगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।